अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे द एवेपोरेशन। ये लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इससे आगे दो लॉन्ग और क्वेश्चन भी आएंगे, वो भी डिस्कस करेंगे। तो पहले देखें एवेपोरेशन क्या होता है। हमने वेपोराइजेशन पढ़ा है इससे पहले, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। उसमें हमने सीखा कि जब एक लिक्विड गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है ऑन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो वो जो हीट ऑब्जॉर्ब करता है उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। तो वो आप हीट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा जो लिक्विड्स हैं, जैसे खासकर आप वाटर को अगर ऑब्जर्व कर लें, तो वो अपनी अगर आप ओपनली उसको किसी पॉट में रख देंगे तो उसकी अमाउंट कम होते होते ऐसा वो ऐसा ऐसा जो है डिसअपेयर हो जाता है। तो वाटर जो है ना वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, उसे वेपोरेशन कहते हैं। ये जो चेंजिंग ऑफ लिक्विड जो है वेपर्स के अंदर विदाउट हीटिंग, ये हम इवेपोरेशन का नाम देते हैं। तो इवेपोरेशन जो होते हैं वो सरफेस का फिनोमिन है। सरफेस के ऊपर जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एस्केप कर जाते हैं, हवा के अंदर शामिल हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को आप नाम देते हैं ये वेपोरेशन है। बॉइलिंग की तरह नहीं होता। बॉइलिंग में तो ये होता है कि वो एक खास टेम्परेचर पे पॉसिबल है, और फिर एवरी पार्ट ऑफ द लिक्विड से जो है मॉलिक्यूल्स लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होते हैं, जो बबल की शक्ल में सरफेस पे आके एक्सप्लोड भी करते हैं। तो बाकी अगर हम वेपोरेशन की बात करें, वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस फिनोमिना है। तो जितना सरफेस एरिया होगा लिक्विड का, उतना ज़्यादा इवेपोरेशन भी होगी। सरफेस एरिया कम होगा तो डेफिनेटली इवेपोरेशन का प्रोसेस भी कम हो जाएगा। तो इवेपोरेशन इज़ द चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स गैसियस स्टेट फ्रॉम सरफेस टू द लिक्विड सरफेस ऑफ द लिक्विड विदाउट हीटिंग इट। उसके बाद ही फिर ये डिफरेंस लिया हुआ है बॉइलिंग में और इवेपोरेशन के अंदर, यहाँ तक आपने लिखना होगा इसमें ये वाली जो चीज़ है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वेपरेशन जो है वो ऑल टेम्परेचर पे पॉसिबल है। जैसे सर्दियों में देखें कपड़े सूखते हैं, गर्मियों में भी सूख जाते हैं, पानी उसमें से निकल जाता है। और जो बॉइलिंग प्रोसेस है वो तो एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर पॉसिबल है, और बॉइलिंग जो होता है वो लिक्विड के अंदर मतलब लिक्विड के एवरी पार्ट से जो है लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, जबकि जो वेपरेशन का प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस प्रोसेस है। उसके बाद आ जाएं, वेपरेशन जो है हमारे एवरीडे लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें ये क्वेश्चन भी शामिल है कि वेपरेशन काजेज कूलिंग, वाई वेपोरेशन जो है वो कूलिंग की वजह बनता है, उसकी रीज़न बताएं। देखें आप अगर यानी बात लेके आएँ, नहा के आएँ और आके पंखे के नीचे बैठें, तो डेफिनेटली आप अपनी बॉडी को ठंडा फील करेंगे। तो इसलिए क्योंकि वो वाटर जो है आपकी स्किन के ऊपर मौजूद है वो वेपोरेट हो रहा है। वो वेपोरेट कैसे हो रहा है, रेपिडली वेपोरेट हो रहा है, क्योंकि वो आपकी बॉडी की हीट अब्जॉर्ब कर रहा है अच्छा कंडक्टर होने की वजह से, और उससे वो वेपोरेट होता जा रहा है। तो आपकी बॉडी की हीट एनर्जी लॉस हो रही है, जिस वजह से आप कूलिंग फील करते हैं। क्योंकि जब सिस्टम के पास या किसी बॉडी के पास हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो उसके पास हैं वो जब एस्केप कर जाएं उसकी सरफेस से, तो बाकी लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है ना कम हो जाएगी सिस्टम की, तो डेफिनेटली उसका टेम्परेचर भी फॉल डाउन करेगा। ड्यूरिंग द वेपोरेशन ऑफ द फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स एस्केप आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, मॉलिक्यूल डैट हैव द लोअर काइनेटिक एनर्जी आर लेफ्ट बिहाइंड, दिस लोअर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल एंड टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। उसके बाद फिर बताता है कि वेपोरेशन जो है वो ऑल टेम्परेचर पे पॉसिबल है और सरफेस फिनोमिना है इसका, और डिफरेंट फैक्टर जो है इसको इफेक्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर में देखें, जैसे उसने पहला क्वेश्चन पुट कर दिया है कि सर्दियों के अंदर जो है ना कपड़े जल्दी नहीं सूखते, जबकि गर्मियों में जल्दी सूख जाते हैं। लेकिन हाई टेम्परेचर होगा, ज़्यादा मॉलिक्यूल जो होंगे वो लिक्विड के वो एस्केप कर सकेंगे, और क्योंकि वो हाई वेलोसिटी से मूव करेंगे, एनवायरनमेंट से उनको एनर्जी मिलेगी, हाई वेलोसिटी से मूव करेंगे तो मॉलिक्यूल एस्केप कर जाएंगे सरफेस ऑफ द लिक्विड से। तो वेपोरेशन जो है वो फास्ट हो जाएगा हाई टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर के ऊपर वो स्लो होगा। उसके बाद अगली चीज़ है सरफेस एरिया। अगर देखें सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को मौका मिलेगा, चांस मिलेगा एस्केप करने का फ्रॉम द सरफेस, और अगर सरफेस कम होगी डेफिनेटली जो वेपोरेशन का रेट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि कम मॉलिक्यूल को चांस मिलेगा सरफेस से एस्केप करने का। उसके बाद विंड है। देखें अगर विंड ब्लो करती है सरफेस के ऊपर से लिक्विड के सरफेस के ऊपर, तो वो स्वीप कर लेती है लिक्विड मॉलिक्यूल्स को जो कि जस्ट अभी एस्केप आउट होते हैं। जैसे ही एस्केप आउट होते हैं हवा उसको साथ ले जाती है, तो फिर मजीद जो लिक्विड्स हैं उनको ऊपर आने का मौका मिलता है, एस्केप आउट होने का मौका मिलता है। तो विंड से भी जो है ना वो ये प्रोसेस जो है ना वो तेज़ हो जाता है। फिर लास्ट चीज़ है नेचर ऑफ लिक्विड, यानी जो भी लिक्विड आप यूज़ कर रहे हैं उसकी अंदर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस कैसी हैं। जैसे यहाँ सिपरेट की बात की गई है, सिपरेट और वाटर जो है ना सेम रेट पे वेपोरेट नहीं होते, क्योंकि आप देखें सिपरेट आप हाथ पे डालते हैं उसके फिर ड्रॉप्स आप यू नो बड़ा कूल कोल्ड फील करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि सिपरेट जो है ना उसका इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस जो है ना बहुत वीक हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर। डैट्स वाई सिपरेट आप अपने हाथ पे डालेंगे वो आपके हाथ की हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा और एज और वेपोरेट करेगा। तो जिस तरह आपकी हाथ की हीट लॉस करे मतलब अब्जॉर्ब करेगा वो, डेफिनेटली आप अपने हाथ को कोल्ड फील करेंगे और वो एवेपोरेट हो जाएगा जल्दी। वाटर जो है ना
उस रेट पे एवेपोरेट नहीं होता जिस रेट पे सेपरेट होता है, क्योंकि इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस वाटर की बहुत स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू सेपरेट। उसके बाद अगली चीज़ ये है थर्मल एक्सपेंशन। इसमें बताया गया कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं सॉलिड लिक्विड गैसेस वो एक्सपेंड होते हैं और कंट्रैक्ट होते हैं टेम्परेचर चेंज होने की वजह से। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दी गई है, फ़र्ज़ करें एक कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट है और ये ब्लू कलर पहले देखें, इसमें देखें आपको एटम्स की थोड़ी वाइब्रेशन दिखाई गई है, यानी एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं अपनी एक एम्पलीट्यूड के साथ और उनके दरमियान गैप भी है थोड़ा बहुत। तो ये उसका एक शेप है, एक वॉल्यूम है। आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे एक्सटर्नली उसको हीट देंगे तो जो एटम्स की वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो एज ए रिजल्ट जो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा जब एक एटम का, एक एटम ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो उनके दरमियान गैप बढ़ना शुरू होगा। तो इस वजह से वो जो भी सब्सटेंस होगा वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा, यानी उसकी लेंथ विड्थ और हाइट में चेंज आना शुरू हो जाएगा, जिसकी उस शेप चेंज हो सकती है, लेंथ चेंज हो जाएगी, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें मतलब एक्सपेंशन शो करती हैं टेम्परेचर बढ़ाने से और कंस्ट्रक्शन शो करती हैं टेम्परेचर कम करने से, इसको हम नाम देते हैं थर्मल एक्सपेंशन का। तो ये दो तरह से होता है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होगा और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन होगा। ये हम नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, बारी बारी उनकी एग्जाम्पल भी हैं साथ वो भी सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है वेपोरेशन का, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें वेपोरेशन पूछा जा सकता है समटाइम, और ये फैक्टर्स पूछे जा सकते हैं चार्ज, टेम्परेचर का, सरफेस एरिया, विंड और नेचर ऑफ लिक्विड्स का। इसके अलावा क्वेश्चन भी आ सकता है अलग से, यही वाला जैसे क्वेश्चन है वेपोरेशन काजेज कूलिंग वाई, तो ये आंसर लिखना होगा आपने यहाँ तक जो आपको मैंने मार्क करवाया, यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ से। तो उसके बाद ये बाकी जो हैं ये फैक्टर्स जो हैं वो उसके साथ लॉन्ग में आते हैं। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन बढ़ेंगे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और आगे फिर नेक्स्ट भी। अल्लाह हाफिज़।